हाय गाइस, वेलकम इन माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ रमाऊ सिंह और लेके आ गए आपको एक और ब्लॉग। और आज हम लेके चलते हैं आपको मंदिरों की दुनिया में। आपने अलग अलग दुनिया सुनी होगी, तो आज आपको हम लेकर चलते हैं मंदिरों की दुनिया में। फिर से ये मंदिर है, इस साइड भी मंदिर है और इस साइड भी मंदिर है। और हमें जाना है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर धूप बहुत तेज है दोस्तों, यहाँ से चढ़ाई। अब हम चल रहे हैं और ऊपर, और ऊपर चल के आपसे मिलते हैं हम आगे, और दिखाते हैं यहाँ पे सारे मंदिरों को। बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। और यहाँ पे ये फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जा कर के और वो दिखाऊँगा। अभी मैं वहाँ से आ गया यहाँ तक। यहाँ पे आदमी कोई नहीं है, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ क्योंकि अभी ये ऑफ टाइम है। ये देखो गाइस, जहाँ तक आप नज़र, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। देखो गाइस, हम मंदिरों की दुनिया में और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि अभी टाइम अभी 2 ही बजे है। तो 2 ही बजे और यहाँ पे हमें 3 बजे तो वो गेट ही खुलेगा। 3 बजे तक तो हम यहाँ कैद हो रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है वहाँ पर जहाँ से हम आए थे। और लकली मेरे लिए वो गेट खुल गया, नहीं तो बंद था वो, 3 बजे ही खुलना था। मैं जैसे यहाँ पहुँचा तो 2 फैमिली वहाँ पे फंसी हुई थी। अब उन फैमिली की मदद करने के लिए, चलो मैं सोचा उनके साथ में छोटा बच्चा था, मैं चलो इनकी मदद कर देते हैं। तो फैमिली अंदर थी, फिर मैंने जा कर के और बात की उनके ऑफिस में, और वहाँ से चाबी लेकर के एक बंदा भेजा उन्होंने। तो उनको जो अंदर थे बच्चे और लेडीज़ थी, उनके हस्बैंड थे, और वो बैठे हुए थे, बच्चे भूखे थे वो बोल रहे हैं। तो मैं चलो मैं बोला एक कोशिश करके देख लेते हैं, अगर इनकी मदद हो जाएगी तो मैं कर देता हूँ। और मैं गया वहाँ से रिक्वेस्ट की ऑफिस में जा करके, तो उन्होंने चाबी लेकर के एक बंदे को भेज दिया। तो वो बंदे तो बाहर निकले, और मेरे लिए भी ये अच्छा हो गया, वो तो बाहर निकले और मैं अंदर आ गया। बताओ बोलता ना कहाँ जा रहे। मैं बोला अब तो मैं घूम करके आता हूँ, आप बंद कर देना, मैं 3 बजे के बाद ही आऊँगा। तो अब मैं 3 बजे तक तो यहाँ पे बंद हूँ, तो आपको आराम से तसल्ली से यहाँ पे मंदिरों के व्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये देखो, आप वैसे ही अगर गिनती करोगे तो ये एक मंदिर तो ये है जिसके नीचे हम ये जो चादरों का वो बना रखा है, यहाँ पे शेड बना रखा है, बहुत प्यारा। बहुत ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर, प्यारी प्यारी। और इस मंदिर के सामने एक मंदिर, वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ हैं, तो 2 हो गए, एक मंदिर ये रहा, 3, उसके पीछे 2 मंदिर दिख रहे हैं, 5, 2 मंदिर वो हैं, 7, ये रहे 2 मंदिर, 8, 9, 2 मंदिर वो ऊपर, 10, 11, एक वो सबसे ऊपर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब गिनती कर नहीं सकते। यहाँ पे 100 से ऊपर हैं, तो मैं सारे गिनती करके आपको दिखाऊंगा नहीं, बस ऐसे ही दूर से आपको भी व्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो देखो बहुत प्यारे प्यारे मंदिरों की दुनिया के सीन, और आराम से समय स्पेंड करते हैं यहाँ पे, और आपको हम दिखाते रहेंगे यहाँ पे मंदिरों के सीन, और हम टाइम पास करते रहेंगे। 1 घंटा 10 मिनट अभी मुझे यहाँ पे रहना है। तो गाइस 1 घंटा 10 मिनट अभी मुझे यहाँ पे रहना है। ये देखो, और यहाँ पे आपको मंदिर हम सारे घुमाएंगे जितने हो सकेंगे, क्योंकि सभी मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। तो गाइस और ऊपर चलते हैं, और ऊपर अब हम जा रहे हैं यहाँ पे मंदिरों के बीच से। हमारे पीछे देखो मंदिर, बहुत अच्छा रास्ता है। अब हम इस रास्ते से जाएंगे, ये वाले जिसको ऊपर जाके देखेंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसे। ओ रहे महाराज गजानन जी, और बहुत प्यारा मंदिर दिख रहा है। ये देखो गाइस, ये बहुत प्यारा पूरा लोटस डिजाइन में है, तो इसके अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस वो जो लोटस डिजाइन मंदिर आपको दिखाया है, हम उसके अंदर जा कर के देखते हैं। ये उसका रास्ता है, और ये हाथी मेरा साथी। सब मंदिर बंद हैं, ये मंदिर भी बंद है। हाँ जी बाबा जी,
मंदिर ये तालो तुम लगाओ थे जो के नहीं, आगे अच्छा अच्छा बंद ही रहते 3 बजे और तुम क्या करते। तो दोस्तों ये बताएंगे यहाँ के टाइम टेबल मंदिरों का, तो बताओ भाई जब कितने बजे से कितने बजे खुल जाते हैं। 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे खुल जाते हैं 12 बजे तक, और 12 बजे बंद हो जाते हैं। अच्छा और वो नीचे वाले जो बड़े वाले मंदिर है नीचे उस साइड वाले अच्छा वो भी अभी बंद होंगे, वो भी मतलब 3 बजे ही खुलेंगे। 3 बजे के बाद फिर 3 बजे के 9 बजे तक रात्रि तक, रात में 9 बजे तक 9 बजे। तो दोस्तों इनने टाइम टेबल बता दिया, जब किसी को भी इधर आना है तो 5 बजे और 12:30 बजे बंद होता है ना, तो 12:30 बजे तक घूम करके निकल लेना, या फिर आना 3 बजे। 3 बजे के बाद फिर यहाँ पे आपको घूमने के लिए मिलेगा, नहीं तो अंदर ही बंद रह जाओगे मेरे जैसे। तो भाई ये देखो ये मंदिर अभी बंद है, ये खुलेगा 3 बजे। तो देखो 3 बजे मैं यहाँ रुकूँगा, अभी तो 2:10 हुए। आपको सबसे ऊपर लेकर के चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कितने और मंदिर है, क्योंकि मंदिर बहुत दिख रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। सबसे ऊपर लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं, वहाँ से ये चारों तरफ व्यूज दिखाएंगे। और हम तो अब रुक के ही हंसे हुए हैं यहाँ पे, जब तक गेट नहीं खुलेगा तब तक हम अंदर रहेंगे। अंदर हैं तो आज तसल्ली से आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यूट्यूब जी नमस्कार, पहुँच गए यूट्यूब परिवार में, और यूट्यूब परिवार में आने पर वेलकम तो होना ही चाहिए, तो एक धमाकेदार वेलकम की उम्मीद के साथ दोस्तों। और मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे जो महात्मा बौद्ध के अनुयायियों ने जो मंदिर बनवाए हैं, इन मंदिरों की आपको झांकी, यहाँ के सीन दिखाता हूँ आपको, कितना प्यारा वातावरण है अभी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर वातावरण है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे पूछो मत। मैं तो यहाँ पे मतलब बड़ी शांति शांति फील कर रहा हूँ, बहुत शांति, मतलब शांति है ही, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। आप जाओ वहाँ पे हर जगह पानी आपको अवेलेबल है, बढ़िया हवा चली रही है, बस इतना है खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप भूखे आ गए ना तो फिर आपको यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो गाइस थोड़े से आपको अब यहाँ के सीन दिखाई देता हूँ, बहुत काफ़ी ऊपर आ गए अभी यहाँ से, तो थोड़े बहुत यहाँ से दिखाता हूँ, बाकी फिर आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। ये देखो गाइस कितने नीचे मंदिर है, और वहाँ तक मंदिर और खेतों में भी मंदिर है, लेकिन हम वहाँ से आए, वो अभी जब हम पहले वहाँ खड़े थे ना वो मंदिर दिखा रहे थे, और वो मेन मंदिर वहाँ पे, वो जो धर्मशाला सी दिख रही है वहाँ पे, वहाँ से आए। चलो थोड़ा सा बैक आपको यहाँ पे इस साइड चारों तरफ आपको दिखाते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। सबसे पुरानी जगह लग रही है, ये ऐसे लग रहा है बहुत पुरानी, पुराना जो कंस्ट्रक्शन है। ये देखो गाइस ये जो दिख रही है बाउंड्री वॉल है यहाँ पे, ये देखो ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी पुराना, सिर्फ पत्थरों से बनी हुई है वो दीवार है। यहाँ पे पहले जब वो लोग अनुयायी रहे होंगे यहाँ पे, उन्होंने तपस्या की होगी जो भी किया है, तो ये काफ़ी पुराने मंदिर है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही काफ़ी पुराना है। ये देखो गाइस 49 नंबर ये मंदिर है,
49 मंदिर तक अभी हम पहुंचे हैं। 49 ये तो हो गई सीढ़िया है, तो चलो एक बार ऊपर चल के दिखाते हैं आपको, यहाँ से घूम लेते हैं। ये देखो भाई, ये कुंड है, इसके ऊपर यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और ये देखो मंदिरों के व्यूज, हम अब काफी ऊपर आ गए और यहाँ से अब सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। इसके पीछे भी मंदिर है, अभी हम उन मंदिरों पे गए नहीं है। जो ये जो सामने जो मंदिर दिख रहे हैं ना, वो मंदिर सबसे बड़ा वाला मंदिर वही है, वहाँ पे बहुत अच्छा है। चलो आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है वहाँ पे। वो जो दिख रहा है, वो जो चिड़िया जा रही है ऊपर, वो वाला वो मेन मंदिर है। अच्छा ये देखो भाई, ये क्या बना हुआ है पुराने टाइम को, इन पत्थरों के ऊपर ही ये रहने के लिए वो बनाया होगा। ये देखो भाई, ये देखो महावीर जी मंदिर, आई थिंक ये सबसे पुराना मंदिर होगा। 52 नंबर महावीर जी मंदिर, और अंदर मूर्ति महावीर प्रभु की है। अंदर मूर्ति महावीर प्रभु की है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, पत्थरों की शिलाओं के ऊपर बना हुआ है। पत्थर के खम बना करके ये बने हुए हैं, ये सब पत्थरों के ही हैं। उसके बाद फिर शायद इसके बाद ये और मंदिर, क्योंकि ये नीचा भी बहुत है, छोटा भी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है यही मंदिर जो सबसे पुराना होगा। ये देखो गाइस, ये है मुख्य मंदिर यहाँ पे, बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत प्यारा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, एकदम शांति है, मन करता है बस इधर बैठ जाओ ध्यान लगा के। और यहाँ पे यात्रीगण लगे हुए हैं अपने प्रार्थना करने के लिए। एक बात देखो गए, ये मंदिर उस टाइम बंद था, अभी खुल गया है। और बहुत कितनी प्रतिमाएं बनी है छोटू इसमें? 152। नंदीश्वर दीप अर्ध, नंदीश्वर दीप, नंदीश्वर दीप प्रतिमाएं हैं, 152 प्रतिमाएं इसके अंदर। ये देखो गए, सबसे प्यारा मंदिर मुझे ये लगा, वो ये तो वो मैन मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तो अलग ही अद्भुत सा नज़ारा लग रहा है, अलग अद्भुत सा नज़ारा एकदम इन प्रतिमाओं के बीच में, नंदीश्वर धाम। तो भाई जब हमने दर्शन कर लिए, मंदिर भी खुल गया, प्रार्थना कर ली और काफ़ी मंदिर घूम लिए हमने अभी तक, मतलब 58 मंदिर हम देख चुके हैं। अब 58 से आगे तो हम घूमेंगे नहीं, नए मंदिर देखेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ से घर निकल गए, 3 से भी ऊपर हो गया है टाइम घूमते घूमते। 2 बजे से पहले मैं अंदर आ गया था। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। हमने घूम लिया, अब हम वापिस जा रहे हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस फटाफट से कर दो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दो शेयर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।